खड़े हैं सरायकेला जिला स्थित कुचाई प्रखंड के सिल्क की खेतों में। यहाँ इन पेड़ों पर सिल्क की खेती होती है। कुचाई सिल्क की पहचान पूरी दुनिया में अपनी धाक बना चुकी है, लेकिन सिल्क की खेती से जुड़े हुए किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है। कल तक यहाँ किसानों की संख्या हजारों में थी, लेकिन आज सैकड़ों में बची है। सिल्क एक ऐसा नाम है जिसको पहनना या खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन सिल्क की चमक के पीछे किसानों का संघर्ष, कमर तोड़ मेहनत से कम ही लोग रूबरू हो पाते हैं। ये तसर सिल्क है जो पूरी तरह जंगलों के पथरीले रास्तों से होकर आप तक पहुंचता है, जहां पर खेती करने वाले ज्यादातर किसान आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिनके पास रोजगार के नाम पर सिल्क की खेती ही है, जिसे सालाना एक परिवार मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपया कमा पाता है। फर्स्ट क्रॉप जब होता है, उसके बाद जो सीड मतलब कुकुन जो बनेगा वो इतना कम पीरियड का रहता है कि आपको किसान जल्दी से जल्दी चाहता है निकाले, तो उसके लिए आप एक एयर कंडीशन ये डेवलप कर दीजिए। जैसे हम लोग का आलू वगैरह रखने के लिए कैसे रखते हैं, मार्केटिंग सिस्टम, एयर कंडीशन मार्केटिंग सिस्टम फॉर फर्स्ट क्रॉप। सेकेंड क्रॉप में भी आप कर देंगे तो किसान को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम कहीं पर अगर हमको दाम नहीं मिल रहा तो मैं रुक जाऊँ। और दूसरी बात है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए दाम में। शुरुआत में सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिल्क को प्रोत्साहित किया। इसके लिए पौधारोपण हुआ, गांव में कलेक्शन सेंटर स्थापित किया गया और महिलाओं को धागा बनाने के लिए रोजगार दिया गया, लेकिन आज सब कुछ बंद हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोग अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वहाँ का अंडा जो करता है वो लोग अब सड़ा हुआ यह सब अंडा सब यह करता है, और कोई अंडा किसान लोग को मारता जो सही तरह से उत्पादन नहीं हो पाता है। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी उत्पादन का सही दाम ना मिलना और उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध ना हो पाना है। इसके साथ ही दूर दराज जंगलों में पहाड़ों के बीच बसे गांवों का हाल और भी दयनीय है। सीएच राममूर्ति, बंटी सिंह, कुमार गौरव और त्रिपुरारी गौतम के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद कुचाई।